तो लगातार इस वक्त की बड़ी जानकारी आज तक आप तक पहुंचा रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कई मामले बढ़ गए हैं। आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 386 मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों को चिकित्सा के बाद वो ठीक भी हो गए हैं। तबलीगी जमात के लोगों के घूमने से मामले और ज्यादा बढ़े हैं, जो चिंता की बात है। जम्मू कश्मीर से 23 नए मामले सामने आए हैं, अलग अलग राज्यों से जो मामले सामने आए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और ये देखिए मरकज के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद चिंता का सबब, मरकज के अंदर की भीतर की ये तस्वीरें, आसपास लोग किस तरह से बैठे हुए हैं दिल्ली के जमात की वजह से। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में मामले बढ़ते हुए चले गए हैं, और इसी वजह से संयुक्त स्वास्थ्य सचिव की ओर से अब से कुछ ही देर पहले जो जानकारी दी गई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तबलीगी समाज, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके सामने आने के बाद मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली से होते हुए अलग अलग दूसरे राज्यों में ये गए हैं, और मौत के आंकड़े भी जो सामने आए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से 38 लोगों की जान जा चुकी है, 386 नए मामले 24 घंटों में, और उसके लिए माना यही जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं मरकज के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के भी नहीं बल्कि बाहर के लोग भी शामिल रहे हैं। इस वजह से चिंता की बात और ज्यादा हो गई है। कितने करीब करीब बिल्कुल नजदीक लोग बैठे हुए हैं, इसमें से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है इस संक्रमण से ग्रसित हों। शायद यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में जब ये लोग पहुंचे तो मामले वहां से बढ़ते हुए निकलकर सामने आए हैं। इसके जो प्रमुख हैं साद, उनके खिलाफ, मौलाना साद के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। 150 देशों में फैली है तबलीगी जमात के प्रमुख का कनेक्शन, और अलग अलग देशों से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। मरकज के अंदर की ये पहली तस्वीर आज तक एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, इन लोगों को समझ नहीं थी या जानबूझकर ऐसा किया गया, बिल्कुल आसपास सटे हुए बैठे हैं न सिर्फ हिंदुस्तान से दूसरे देशों के भी लोग। इन तस्वीरों को आप किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे, इनकी गलती जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत सकता है, जिस तरह की तस्वीरें परेशानी का सबब इस वक्त हिंदुस्तान के लिए बनी हुई है। अरविंद, मैं आपको बता दूं सबसे पहले चित्र की भुगत सकता नहीं है, भुगत रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग निकले थे, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जो निजामुद्दीन का मरकज है उसकी तस्वीरें अंदर किस तरीके से, और आपको बताऊं जब लॉकडाउन का ऐलान हो गया था तब की उसके बाद की तस्वीरें हैं, किस तरीके से अंदर लोग काफी भीड़ है, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल नहीं रखा गया है। और आपको बताऊं कि इन्हीं लोगों में से 34 लोगों को जब LNGP अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें 64 साल के शख्स जो कर्नाटक के रहने वाले थे उनकी मौत हो गई थी, उसके अलावा यहीं से 6 लोग जो तेलंगाना गए थे उनकी मौत हो गई, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा अंडमान किसी भीड़ से, ये जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं आज तक पर, किसी भीड़ से जो लोग अंडमान गए उसमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसमें एक शख्स अपनी वाइफ से मिला वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो जब अब यहाँ से जो तस्वीरें निकली उसके बाद देश में हड़कंप मच गया, देश की पुलिस अलर्ट पर है, अलग अलग राज्यों में ट्रैक डाउन किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में ही कल देर रात छापेमारी हुई है, वजीराबाद इलाके में, मानसरोवर पार्क इलाके में कई विदेशी मूल के जो नागरिक है वो मस्जिदों में छुपे हुए थे, कुछ भारतीय नागरिक थे वो छुपे हुए थे, उनको वहीं पर डिटेन करके क्वारंटाइन किया गया। तो दिल्ली पुलिस की अपील है और एजेंसियों की अपील है कि इससे जो लोग बाहर गए हैं वो खुद पुलिस को कॉल कर दे और ये कहे कि मैं यहाँ से निकला था। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई लोग फंसे हुए थे, और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया, जो दिल्ली पुलिस क्लेम कर रही है कि लगातार जो मरकज के जो मौलाना थे साथ, उनको बाकायदा आगाह किया था, 24 मार्च को, 28 मार्च को बाकायदा नोटिस भेजी गई थी कि इस दौरान जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है चित्रा, तो आप ये जो भीड़ है वो इकट्ठा न करें, जमात को टाल दें, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है, दिल्ली पुलिस ऐसा क्लेम कर रही है, लेकिन किसको रोका नहीं गया। ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। अरविंद, आपने कहा कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद की ये तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताओ कि लगातार 13 तारीख से, हालांकि होली के पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, मैं होली नहीं मनाऊंगा, और लगातार उस वक्त से ही एक्सरसाइज हो रही थी, लेकिन 13 मार्च के पहले से ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा शुरू हो गया था। यहाँ से कई ऐसे लोग निकले, जैसे आपको बताऊं ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, यही किसी जमात से, इसी बिल्डिंग से 23
मार्च को लोग निकले थे, 24 मार्च को अंडमान पहुंचे हैं, 9 लोग अलग अलग फ्लाइट पे, उनको जब चेकिंग किया गया और इसमें मौजूद लोग अरविंद सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि अलग अलग देशों से आए हुए भी लोग हैं। जी बिल्कुल, आपको बताऊं तकरीबन 15 अलग अलग देशों के लोग हैं और आपको बताऊं कि 2100 लोग 2100 लोगों से ज्यादा लोगों को अभी यहां से निकाला जा चुका है और अलग अलग आपको बताऊं अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उनके सैंपल लिए गए। अगर बात करूं इसे अभी अभी क्या पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है मरकज? बिल्कुल, सुबह 4 बजे के लगभग जो पूरा मरकज है उसको खाली कराया गया है और ड्रोन कैमरा जो दिल्ली पुलिस का आपको बताऊं चित्रा, उस ड्रोन कैमरे से बकायदा इस पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो पुलिस है और सिर्फ दिल्ली। अरविंद दोबारा आपके पास अब मैं आऊंगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को देख रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों की वजह से हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं और इनमें से निकलकर अलग अलग देश के हिस्सों में जो लोग गए हैं उन्होंने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, अगर उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव निकला तो इस बात को लेकर आप अभी से सोचिए देश की क्या स्थिति है, इस बात को चिंता में डालने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।